वन वेलकम टू माय चैनल 3D हाउस प्लान बाय इमरान। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 10 फीट बाय 30 फीट की एक हाउस डिजाइन जिसकी स्क्वायर फीट बनती है 300 स्क्वायर फीट और इसे हम गज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी 33 गज। दोस्तों इस हाउस को डिज़ाइन करने में आपको 9 to 10 lakh अप्रॉक्स लग सकता है और दोस्तों काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न हमने इस हाउस को डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और ये फ्रंट का साइड ओपन है और तीन साइड से कवर्ड है क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी है, लेकिन वेंटिलेशन को नज़र पे रखते हुए हमने इस हाउस को डिज़ाइन किया है। वेंटिलेशन की थोड़ी भी कमी नहीं होगी। और एक ज़रूरी बात, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं नए नए हाउस प्लान हाउस डिज़ाइन लाते रहता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि कभी ना कभी आप घर बनाओगे जब आपको एक अच्छी हाउस प्लान हाउस डिज़ाइन की दरकार पड़ेगी जो इस चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम काफ़ी मेहनत लगता है तो दोस्तों वीडियो में लाइक तो ज़रूर बनता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो ये इस हाउस का मैप, इसे पॉज करके अच्छे से समझ ले। डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कर ले। तो चलिए आप घर के अंदर इंटर करते हैं और इसका इंटीरियर व्यू देखते हैं। तो दोस्तों क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी इन्हें फ्रंट में एक दुकान चाहिए था यानी कि शॉप, तो हमने शॉप बनाया है। अब इस डोर से हम लोग इंटर करते हैं तो हमें मिल जाती है कॉरिडोर। कॉरिडोर से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगी स्टेयर एरिया जो आपको फर्स्ट फ्लोर और टेरिस पे ले जाएगी। अब स्टेयर एरिया से हम लोग आगे बढ़े हैं तो हमें मिल जाएगी एक किचन जिसकी साइज है 9 feet by 9 feet 3 inch। काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न हमने इस किचन को डिज़ाइन किया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वॉल में हमने वॉल टाइल्स का यूज़ किया। ठीक किचन के साथ आपको मिल जाता है एक टॉयलेट एंड बाथ और वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है एक 2 feet by 2 feet की विंडो जो OTS की तरफ ओपन होगी यानी कि डक्ट की तरफ। बाकी वॉल पे हमने वॉल टाइल्स का यूज़ किया, फ्लोर पे हमने ग्रेनाइट्स का यूज़ किया जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो किचन और बाथरूम का आपको इंटीरियर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर OTS मिल जाता है यानी कि ओपन टू स्काई। यहाँ पर आप कुछ इस तरह से वॉशिंग मशीन रख सकते हैं कपड़ा वगैरह धोने के लिए और ये है आपका OTS ओपन टू स्काई। इसी के जरिए से आपके किचन पे बाथरूम पे अच्छी वेंटिलेशन होगी। तो दोस्तों 10 फीट बाय 30 फीट का प्लॉट बहुत छोटा है लेकिन हमने कोशिश किया है कि अच्छी डिज़ाइन आपको इस 10 फीट बाय 30 फीट में निकाल के दूँ। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाता है किचन, एक शॉप, कॉरिडोर, बाथरूम और OTS का स्पेस। अब चलिए हम लोग स्टेयर से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो स्टेयर पर दोस्तों हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छी लग रही है और सेफ्टी के लिए हमने रेलिंग का डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और इस डोर से हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम की साइज है 9 feet by 9 feet 3 inch। इस बेडरूम पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाएगी जो डक्ट के तरफ ओपन होगी। बाकी वॉल पे हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है और काफ़ी खूबसूरत लगी है ये वॉलपेपर। और इस बेडरूम पे आपको एक बेड मिल जाता है, एक वार्डरोब मिल जाता है और इस वॉल पे हमने एक टीवी का सेटअप किया है और एक ड्रेसिंग आईना का सेटअप किया है। बाकी सीलिंग पे हमने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन किया है। तो ओवरव्यू लुक आपको इस बेडरूम का कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ जिसके वॉल पे हमने वॉल टाइल्स और ग्रेनाइट का यूज़ किया है। वेंटिलेशन के लिए 2 feet by 2 feet का आपको विंडो मिल जाता है जो डक्ट के साइड पे ओपन होगी। तो चलिए अब हम लोग इस बेडरूम से निकलते हैं और फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम जिसकी साइज है 9 feet by 10 feet। बेड के बैक साइड पे हमने काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर का डिज़ाइन किया है और वुडन का डिज़ाइन किया है और इस तरफ एक बेड और एक वार्डरोब का हमने सेटअप किया है। बाकी सीलिंग पे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन किया है और इस वॉल पे हमने टीवी का सेटअप किया है। बाकी फ्लोर पे हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छी लग रही है।
तो इस बेडरूम पे भी दोस्तों आपको मिल जाता है एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ। काफ़ी खूबसूरत हमने इस टॉयलेट एंड बाथ को भी डिज़ाइन किया। वेंटिलेशन के लिए फ्रंट पे आपको एक 2 फीट बाय 2 का विंडो मिल जाता है और वॉल पे हमने वॉल टाइल्स का यूज़ किया है। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाता है 2 बेडरूम और 2 बाथरूम और OTS। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं बालकोनी की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक 4 फीट 9 बाय 4 फीट का बालकोनी मिल जाता है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को हमने अच्छा से समझ लिया। आप चलते हैं छत की तरफ यानी कि टेरिस की तरफ। तो यह दोस्तों टेरिस यानी कि छत और यह है मम्टी रूम। इसी के जरिए से हम लोग इस छत पे आएंगे। और कुछ इस तरह से आप वाटर टैंक का सेटअप करते हैं और ये है OTS। इसी के जरिए से आपके सारे कमरे पे बाथरूम पे किचन पे अच्छी वेंटिलेशन होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये 10 फीट बाय 30 फीट की हाउस डिजाइन आपको अच्छी लगी होगी। और भी हाउस डिजाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों और इस तरह का शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।